उत्तराखंड में पीएम मोदी का बड़ा दावा, एनडीए सरकार बनने पर हर घर को सोलर पैनल के लिए 80,000 मिलेंगे, ज्यादा बिजली होने पर सरकार बिजली खरीदेगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा पहले कांग्रेस फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी। पीएम ने कहा झारखंड बीजेपी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी, एनडीए सरकार बनते ही हर महीने बहनों के खाते में पैसे आएंगे। देवघर में पीएम मोदी का दावा, संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा, जनता रचेगी नया इतिहास। पीएम ने कहा झारखंड की पहचान बदलने की हुई साजिश, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी को झूठ बोलने की आदत, ना उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दी ना ही एमएसपी दोगुना किया। कांग्रेस ने वोटिंग से 48 घंटे पहले झारखंड के लिए घोषणा पत्र जारी कर चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया, संबित पात्रा के आरोप। पात्रा बोले राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते, कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर 64.86% ज्यादा मतदान, 10 सीटों पर 70% मतदान। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर हुई वोटिंग, सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया मतदान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव के लिए रांची में किया वोट। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया मतदान, रांची के जवाहरनगर में की वोटिंग। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने परिवार संघ जमशेदपुर में डाला वोट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट, पत्नी संघ रांची में एक बूथ पर किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, झारखंड की जनता एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। झारखंड चुनाव पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बीजेपी दो तिहाई बहुमत से चुनाव जीतेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, करीब 61% मतदान। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्रों का किया दौरा, प्रियंका के खिलाफ बीजेपी के 90 हरिदास है मैदान में। वायनाड उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट, भारी बहुमत से वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत होगी। एमपी के बुद्धि में उपचुनाव के लिए मतदान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। शिवराज सिंह चौहान ने वोट देने से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी की जीत का लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के बीच फायरिंग, 9/24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल के मदारी हाट विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने किया मतदान। शिगगांव उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता बसवराज बोमई, सभी 3 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। राजस्थान के कोटा पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा। मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, शिंदे गुट ने कहा उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की हुई जांच, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बैग की भी हुई चेकिंग, पवार ने कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नियमों के तहत तलाशी ली। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग पर सियासत, बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी कर कहा कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को ही थी चेकिंग। बीजेपी ने कहा फडणवीस के बैग की जांच की गई तब उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया ना हरकत की, कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत। शिवसेना उद्धव गुट ने सीएम पद का दावा ठोका, सामना में दिए विज्ञापन में लिखा मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूबीटी कुटुंब प्रमुख के तौर पर कर रही है उद्धव ठाकरे का प्रचार, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होना है चुनाव। सीएम योगी के बयान पर बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, कहा यह बयान अंबेडकर के संविधान के खिलाफ। 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा होगा साफ, मायावती की बनेगी सरकार, महाराष्ट्र के 40 गांवों की रैली में अमित शाह का दावा। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा महायुति का मतलब है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, महायुति की प्रचंड विजय होगी, स्थिर और मजबूत सरकार बनने जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वाशिम में की पूजा अर्चना, जगदम्बा माता का लिया आशीर्वाद। आदित्य ठाकरे ने वली में तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, तेलंगाना के सीएम भी रहे मौजूद। बीजेपी ने देश को मजबूत बनाया, मेक इन इंडिया से देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। एनसीपी में घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान, शरद पवार और अजीत पवार के बीच घड़ी सिंबल विवाद मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा सरकार लोगों से किए वादे पूरे नहीं कर रही, उन्हें ठगा जा रहा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का बयान, आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेगा निवेश, पीएम मोदी की नॉर्थ ईस्ट के विकास पर खास नजर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है, कानून का उल्लंघन है बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए निर्देश, नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया, डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस का जिक्र हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी एक तो सजा पूरे परिवार को क्यों, बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दें, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ ना हो।
कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता, मेरा काम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, कहा सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा लोगों के घर तोड़ने वालों का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा, उम्मीद है अब किसी का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओपी राज पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो कार्रवाई होगी, सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का ट्वीट, दिखा उम्मीद है बुलडोजर का आतंक खत्म होगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूपी सरकार के लिए जोरदार झटका। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कोर्ट ने बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस देने की बात कही, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई। पीएम मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की का किया लोकार्पण, दरभंगा एम्स का भी किया शिलान्यास। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, बोले आज जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ। पीएम बोले आयुष्मान भारत योजना से अब तक 4 करोड़ गरीबों का इलाज हुआ, इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को लाभ हुआ। मोदी बोले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले बहुत खराब थी, नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद काफी सुधार। चिराग पासवान ने एम्स के लिए पीएम का जताया आभार, कहा विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार में विकास जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने एम्स दरभंगा का लिया श्रेय, कहा आरजेडी की पहल पर ही डीएमसीएच से अलग एम्स का होगा निर्माण। 16 नवंबर को ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिलकर खत्म करना होगा, आतंकियों के जरिए पाकिस्तान रच रहा साजिश। प्रयागराज में यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे छात्र। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 11 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में बोले अखिलेश, छात्र पढ़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च, एक ही दिन में पेपर कराने की मांग की। दिल्ली की स्पेशल सेल ने वांटेड शूटर मोगली को गिरफ्तार किया, मोगली ने अंगलई और अलीपुर में व्यापारी के ठिकानों पर की थी फायरिंग। कोगी गैंग के साथ कनेक्शन में था वांटेड मोगली, बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद। पंजाब के मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जीना मुहाल। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सिग्नेचर ब्रिज इलाके में दिखी धुएं की सफेद चादर। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। नोएडा में सांस लेना मुश्किल हुआ, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध। मुंबई में लगातार प्रदूषित हो रही हवा, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कोस्टल रोड इलाके में छाई धुंध की पोटी परत। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, 6 जिलों में ऑरेंज बारिश और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के शाहदरा जिले में डीसीपी ने 19 पुलिस वाले को किया लाइन हाजिर, इलाके में क्राइम का ग्राफ बढ़ने पर एक्शन। चेन्नई में डॉक्टर पर चाकू से हमला किए जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक, सुरक्षा चाक चौबंद किए जाने के निर्देश। असम के करीमगंज में 6 बांग्लादेशी घुसपैठे गिरफ्तार, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर लिखा अवैध घुसपैठ पर प्रहार। दिल्ली में फतेहपुर बेरी इलाके में जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के बेलोलपुर स्थित झुग्गियों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दक्षिण कोलकाता के संध्या बाजार में लगी कई दुकानों में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना कर लिया बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद। दिल्ली दीपोत्सव समारोह में वासुदेव घाट पर लेजर शो का आयोजन, दिल्ली के उपराज्यपाल भी समारोह में शामिल हुए। पर्थ में टीम इंडिया की तैयारी शुरू, विराट कोहली ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया, 22 नवंबर को खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने वाका के मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर वायरल पंत गिल की तस्वीर। बॉर्डर गर्ल्स की ट्रॉफी शुरू होने से पहले टीम इंडिया खेलेगी इंट्रा स्क्वाड मैच, 3 दिन का होगा इंट्रा स्क्वाड मैच। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे पायदान पर खिसके, कुछ दिनों पहले 1 नंबर पर थे काबिज। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 984 और निफ्टी 324 अंक लुढ़का। US डॉलर के मुकाबले 1 पैसा मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 84.38।